नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ RRB रेलवे NTPC के GK GS के टॉप 40 क्वेश्चंस। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 9 है, ये 9 नंबर का मॉडल पेपर है। इसके पहले मैं 8 मॉडल पेपर बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने पूरा प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाके हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स रीजनिंग के, तो टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, लेकिन 40 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। उसके लिए मैं आपके लिए डेली मॉडल पेपर लेकर आता हूँ। ये वही क्वेश्चन है, ये वही प्रश्न है जो 2018 की सभी परीक्षाओं में ग्रुप डी ALP RPF में पूछे गए, 2016 की NTPC के एग्जाम में भी पूछे गए थे, 15-16 की, और यही प्रश्न आने वाली परीक्षा 2019 में पूछे जाएंगे। तो आप हमारा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। डेली मॉडल पेपर लेके आता हूं मैं आपके लिए 40 प्रश्नों का, तो ये हमारा 9 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों टोटल मेरे पास 4000 क्वेश्चन है, तो मेरे पास ऐसे बन जाएंगे आपके लिए 40-40 क्वेश्चन के मॉडल पेपर, 100 मॉडल पेपर बनाऊंगा, तो ये हमारा 9 नंबर का मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को हम क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रणोदक। क्या कहते हैं हम उसको? प्रणोदक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? आपको बताना है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन देश में। क्या? संसदीय शासन प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? आपको बताना है कि जो केरल में विशु नामक त्यौहार मनाया जाता है वह किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल। कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है, कहाँ पे है? सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आपको बताना है कि इनमें से किसे आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए डेली मॉडल पेपर लेके आता हूँ, मैथ्स के भी लेके आने वाला हूँ, रीजनिंग के भी लेके आने वाला हूँ, GK GS के लेके आने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ नए हमारे लिए वीडियो लेके आइए, तो मैं आपके लिए रेलवे करंट अफेयर्स के नाम से एक नया शो चालू करने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको लास्ट 6 मंथ 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स रेलवे की एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके लिए मैं वीडियो चालू करने वाला हूँ। तो मैं आपके लिए जनवरी 2019 से लेके तो मई जून 2019 तक का करंट अफेयर्स कवर करूँगा इसके अंतर्गत। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली आपके लिए 10 प्रश्न लेके आऊँगा। तो इस प्रकार मैं आपको 1000 से 1500 प्रश्न करंट अफेयर्स के बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में जो 40 प्रश्न जीके और जीए के आएंगे उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन 100% है कि करंट अफेयर्स से पूछेंगे रेलवे वाले। तो हमको क्या करना है, क्योंकि जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ करंट अफेयर्स को, उनको आप डेली ध्यान से देखिएगा। मैं डेली सुबह 7 बजे आपके लिए रेलवे करंट अफेयर्स नाम का शो चालू करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, 2-4 दिन में उसके वीडियो आपको मिलने लग जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, देखिए किससे भाग दिया जाता है? राष्ट्रीय आय। देखिए प्रति व्यक्ति अगर आय हमको निकालनी है तो राष्ट्रीय आय को हम किससे भाग देते हैं? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देश की कुल जनसंख्या से। जब हम देश की कुल जनसंख्या से हम उसको भाग देते हैं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को, तो हमको प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला क्या है कि जो राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या, तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक परमाणविक गैस है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम एक परमाणविक गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सवाना घास भूमिया पाई जाती है, सवाना की घास भूमिया कहां पर पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। कहां पर पाई जाती है? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? देखिए इनमें से किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आपको बताना है कि जीवन रक्षक हार्मोन है वह किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनल ग्रंथि। किससे होते हैं? एड्रेनल ग्रंथि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान होता है उसकी व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है, मतलब किसको अधिकार प्राप्त है उसकी व्याख्या करने का? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया? आपको बताना है कि दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। किसने बसाया था? हुमायूं ने बसाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, आपको बताना है कि जो WWW होता है वो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, HTTP। किसका प्रयोग करता है? WWW वर्ल्ड वाइड वेब HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। क्या होता है HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, HTTP का फुल फॉर्म बताएं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आपको बताना है कि इनमें से किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों देशों से मिलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट का कूबड़ किस उत्तक से बना होता है? आपको बताना है कि ऊंट का कूबड़ किस उत्तक से बना होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वसामय उत्तक का। किसका बना होता है? वसामय उत्तक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहां पर है? आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहां पर है? तो यह सागर में होगा किसी, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। कहां पर है? मृत सागर में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? आपको बताना है कि जो मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट है वह किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? आपको बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत में आया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैनसोंग। कौन आया था? वैनसोंग आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपको बताना है कि हर्षचरित के लेखक इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान? इसका सही उत्तर को दोस्तों जयपुर। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? आपको बताना है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। देखिए त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। दोस्तों आप भी मेरे साथ आंसर देते चलिए,
और वीडियो के आखिरी में ये जरूर बताइएगा कि आपको 40 में से कितने नंबर आए, और अपने आरआरबी जोन का नाम, आरआरबी जोन का नाम तो बिल्कुल भी ना लिखना भूलें, क्योंकि आरआरबी जोन का नाम लिखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपके जोन में कितना कॉम्पिटिशन है, आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। तो आपके मार्क्स लिखने के साथ आपका आरआरबी जोन जरूर लिखें वीडियो के आखिरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, आपको बताना है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहा। रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। आपको बताना है कि इनमें से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। आपको बताना है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप को विस्तार पाया जाता है। हमको पता है कि पृथ्वी के 70% भाग पर तो जल पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 30% के लगभग भाग पर महाद्वीप पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 29.2। देखिए 29.2% पर क्या पाया जाता है? महाद्वीप पाए जाते हैं, और जो हमारा 71% रहता है, 71% पे क्या पाया जाता है? हमारा जल पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर 71% है, आपको 71% जल पाया जाता है, और 29% पर आपका महाद्वीप पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर को ऑप्शन नंबर सी, 29.2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। आपको बताना है कि इनमें से किस में समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। आपको बताना है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। देखिए, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे, मतलब चुनाव कितनी अवधि में कराने पड़ेंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। जब पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर आपको चुनाव कराने पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बाकी नदियां हमारी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ियों में गिरती है, सिर्फ माही नदी इनमें से ऑप्शन के माध्यम से हम बता रहे हैं कि माही नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, इसलिए भारत ही सबसे बड़ा देश है जो चाय का निर्यात करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है। आपको बताना है कि सानिया मिर्जा किस खेल के लिए चर्चित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। आपको बताना है कि जो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर
परमाणु संयंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज रथी के मध्य। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज रथी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है कि किस सन में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1988 ईस्वी में। कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन के सिद्धांत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि कितने पुराण हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18। कितने पुराण हैं? 18। जैसे वेद हमारे कितने हैं? 4 वेद होते हैं, वैसे पुराण कितने हैं? 18 हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके जीएस के भी आपको डेली मॉडल पेपर दे ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास मैथ्स के 1000 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर हैं, जिससे मैं 40 के समथिंग मॉडल पेपर बनाऊंगा। और रीजनिंग के भी मेरे पास 1000 क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे पूछ सकता है और रेलवे ने पहले की एग्जाम में पूछे हैं। इसके अतिरिक्त जीके जीएस के मेरे पास 4000 क्वेश्चन है। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं अभी रेलवे करंट अफेयर्स भी चालू करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको कितने मार्क्स आए हैं, और आपके आरआरबी जोन का नाम लिखना न भूलें, जिससे कि हमको कट ऑफ का नॉलेज मिलता रहे, हमको पता पड़ता रहे कितना कॉम्पिटिशन है किस जोन में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।